हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फिल्म क्रिटिक मुर्तज़ा अली खान। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पाताल लोक का रिव्यू, जो कि अमेज़ॉन प्राइम की लेटेस्ट सीरीज़ है। एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर कम पुलिस प्रोसीजरल है और इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिल्म नोआ के एलिमेंट्स हैं, साथ ही साथ फैमिली ड्रामा भी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टोनल शिफ्ट होते रहते हैं, काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये सीरीज़ क्रिएट करी है सुदीप शर्मा ने, जो इससे पहले NH10, सोन चरैया और उड़ता पंजाब के स्क्रीन प्लेस लिख चुके हैं। और इसको डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण और प्रसिद्ध रॉय ने मिलकर। प्रसिद्ध रॉय इससे पहले परी डायरेक्ट कर चुके हैं और अविनाश अरुण ने किला नाम की मराठी फिल्म बनाई थी और काफ़ी बड़े सिनेमाटोग्राफर रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को शूट कर चुके हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग डायरेक्शन है इन दोनों की। इन्होंने इंश्योर किया है कि सिनेमेटिकली और स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ग्रिपिंग है। इसके सारे के सारे 9 एपिसोड्स हैं तकरीबन 40-40 मिनट के और एंड तक बांधे रखती है ये सीरीज़ हमें। अगर मैं इसकी ओवरऑल स्टोरी की बात करूं और कैरेक्टर्स की बात करूं तो इसके लीड रोल में है जयदीप अलावा, जो कि एक वॉश्ड आउट कॉप हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी डाउन्स ही डाउन्स देखी हैं। उनको कभी उतने बड़े केस संभालने का मौका ही नहीं मिला और यहाँ पे सडनली उनकी किस्मत बदलती है और एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस उनके हाथ लग जाता है। तो कैसे उस केस को परस्यू करते हैं, एकदम ऑब्सेस्ड हैं वो अपने लाइफ में कुछ अचीव करने को लेकर, उनकी अलग अलग डायमेंशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जयदीप अलावत ने कमाल की एक्टिंग करी है, राजी के बाद से जो उनका पीक शुरू हुआ है यहाँ पर वो उसे एक नए लेवल पर लेके गए हैं। और जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर उनका एक इमोशनल साइड है, जो उनके बेटे के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है, उसको एक्सप्लोर करती है ये सीरीज़। साथ ही साथ उनकी वाइफ के साथ जो एक बिटर स्वीट रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लोर करती है, उनका प्रोफेशनल लाइफ जो है उसको एक्सप्लोर करती है। साथ उनके एक जूनियर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं इमरान अंसारी, जिसको कि जिसकी भूमिका इश्वाक सिंह ने प्ले करी है, उनके साथ उनकी बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। फिर जो उनके इंस्पेक्टर हैं SHO, जो एक्चुअली उनके जूनियर थे, तो कैसे वो आज पावर की पोजीशन में हैं और उनको उनसे ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज़ दिखाई हैं, सिस्टम के अंदर की करप्शन दिखाई है, ये दिखाया सिस्टम कैसे आगे बढ़ने नहीं देता आपको, आपके हुनर को पहचानता नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं उनके दिमाग में और साथ ही साथ उनको एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस मिल जाता है, एक मर्डर मिस्ट्री है जो उनको सॉल्व करनी है, जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, माफिया इन्वॉल्व है, क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं, पुलिस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, CBI इन्वॉल्व है और बहुत ही हाई प्रोफाइल है। किस तरह से वो उसके बीच में फंस के रह जाते हैं और कैसे उसका सामना करते हैं, ये सब आपको देखना है तो आप ज़रूर पाताल लोक देखिए। उनके साथ पैरेलल लीड में नीरज कभी, जो कि एक मीडिया टाइकॉन, एक प्राइम टाइम एंकर के रोल में हैं और काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हमें दिखेंगे रियल लाइफ के, जो हमने एंकर्स देखे हैं आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं अलग अलग तरह के एंकर्स, उनका एक तरह से मिक्सचर है, किसी एक कैरेक्टर से इंस्पायर्ड नहीं है बल्कि बहुत सारे एंकर्स जो हमने देखे हैं उनकी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें लेकर, ये जो संजीव मेरा कैरेक्टर है जो नीरज कभी ने प्ले किया है उसको बनाया गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स हैं इन दोनों एक्टर्स के। जयदीप अलावत की बहुत ही इमोशनल रॉ और ग्रिटी परफॉर्मेंस है। अगर मैं उनके कंपैरिजन में नीरज कभी की बात करूं तो बहुत ही सदीवी और ट्रूली इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है, जहां वो एक भी नोट गलत हिट नहीं करते और बहुत ही प्रोफेशनल वे में उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया है। इन दोनों की परफॉर्मेंसेस के आसपास ही सारी की सारी जो सीरीज़ है रिवॉल्व करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें नोआ एलिमेंट्स का काफ़ी अच्छा फ्लेवर है और इसकी मेन वजह है कि इसके स्क्रिप्ट कंसल्टेंट हैं नवदीप सिंह, जिन्होंने इससे पहले NH10 और मोर इम्पॉर्टेंटली मनोरमा 6 Feet Under बनाई है और मनोरमा के काफ़ी फ्लेवर्स आपको दिखेंगे। इस फिल्म की जो सीन्स हैं वो काफ़ी चित्रकूट में सेट हैं और काफ़ी दिल्ली में सेट है, तो चित्रकूट की जो सीन्स हैं उसमें आपको मनोरमा का बहुत इंटरेस्टिंग फ्लेवर दिखेगा। एक पार्ट ऑफ द सीरीज पंजाब में भी सेट है और एक पंजाबी रैप है और बहुत इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है कि कैसे कास्ट डिवाइड जो है वो कैसे एक इंसान को नॉर्मल लाइफ जीने को छोड़कर क्रिमिनल बनने पे मजबूर कर देता है। तो कास्ट के लेवल पर, रिलीजन के लेवल पे, हेट को लेकर बहुत सारी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स में इसकी सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री की मैं तारीफ करना चाहूँगा। बहुत ही सोच समझ के सदीवी स्क्रिप्ट है और उसमें काफ़ी
इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स हैं, कभी भी आपको बोर नहीं होने देती। यहाँ पे मैं स्वास्तिका मुखर्जी की तारीफ़ करना चाहूँगा, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। अनिंदिता बोस ने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमियो दिया है। अभिषेक बनर्जी जो कि हथौड़ा त्यागी के रोल में अमेजिंग परफॉर्मेंस दी उन्होंने। इश्फाक सिंह जो कि इमरान अंसारी के रोल में, उनकी परफॉर्मेंस भी काबिल तारीफ़ है। छोटे बड़े जितने भी कलाकार हैं सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। विपिन शर्मा ने भी बहुत दमदार अभिनय दिखाया है अपना यहाँ पर। तो परफॉर्मेंसेस के लेवल पे मैं यहाँ सबकी तारीफ़ करूँगा। मुझे गुल पनाग की भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन लगी, बहुत डिफरेंट है। तो अगर आप क्राइम थ्रिलर्स पसंद करते हैं, नुआ वगैरह अगर आपको बहुत पसंद है, तो ये सीरीज़ आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। जहाँ तक मेरा सवाल है स्केल और स्कोप के मामले में, मुझे लगता है ये अमेज़ॉन की अभी तक की सबसे बड़ी सीरीज़ है, और मुझे लगता है कि बहुत लंबे टाइम में आई हुई ओवरऑल वेब पे, इंडियन वेब स्पेस पे सबसे अच्छा कंटेंट है ये।